हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिमेट्रिक कर्नल। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जब हमारे पास सेपरेबल कर्नल हो। इसमें जब हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल हो तो उस कंडीशन में फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो इस पहले सिमेट्रिक कर्नल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं। द कर्नल के एक्स जाई ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ के एक्स जाई बराबर साइन सॉरी के एक्स जाई बराबर के जाई एक्स फोर ऑल एक्स एंड जाई, यानी कि एक्स को जाई से रिप्लेस कर दो, जाई को एक्स से रिप्लेस करने पर सेम कर्नल आ जाए। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो साइन एक्स प्लस जाई, अगर ये कर्नल है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल है। अगर हमारे और कर्नल्स देखें तो जैसे कि एक्स प्लस जाई एक्स स्क्वायर प्लस जाई स्क्वायर, ये सिमेट्रिक कर्नल है। तो इस तरह की कर्नल जो होती है सिमेट्रिक कर्नल्स होती है। बट अगर हम साइन साइन एक्स माइनस जाई की बात करेंगे तो वो सिमेट्रिक कर्नल नहीं होगी। ये हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल की डेफिनेशन है, हम कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, टू फंक्शन फाइव वन एक्स एंड फाइव टू एक्स कॉन्टिन्यूस ऑन एन इंटरवल ए बी आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल। दो फंक्शन फाइव वन एक्स एंड फाइव टू एक्स जो कि कॉन्टिन्यूस है ए बी इंटरवल पर, वो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं इफ इफ समय इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फाइव वन एक्स फाइव टू एक्स डी एक्स बराबर जीरो। अगर ये इंटीग्रेशन जीरो हो तो उस कंडीशन में वो जो फंक्शन होते हैं फाइव वन एक्स एंड फाइव टू एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाते हैं। थ्योरम, अब ये थ्योरम है हमारे पास जिसका हम प्रूव पढ़ेंगे। फॉर द फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स बराबर लैम्डा ए टू बी के एक्स जाई वाई जाई डी जाई विद सिमेट्रिक कर्नल, प्रूव दैट द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द टू डिफरेंस डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल ओवर ए एंड बी, और सेकेंड है हमारे पास द आइगन वैल्यू आर रियल्स। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमें आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू टू आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल शो करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट लैम्डा वन एंड लैम्डा टू बी टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। हमने सपोज कर लिया कि इंटीग्रल इक्वेशन के दो आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा वन एंड लैम्डा टू है। इंटीग्रल इक्वेशन ये थी हमारे पास। अब विद रेस्पेक्ट टू वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स, तो वाई वन एक्स इसके जो फंक्शन है वो है हमारे पास वाई वन एक्स वाई टू एक्स। तो हमें शो क्या करना है, ए टू बी वाई वन एक्स वाई टू एक्स डी एक्स बराबर जीरो, ये हमें शो करना है बाय डेफिनेशन वी हैव। तो ऊपर की डेफिनेशन से हम यहाँ पे चूंकि वाई वन एंड वाई टू दोनों सॉल्यूशन है तो वाई वन एक्स बराबर लेमडा वन ए टू बी के एक्स जाई वाई वन जाई डी जाई एंड वाई टू एक्स बराबर लेमडा टू ए टू बी के एक्स जाई वाई टू जाई डी जाई, क्योंकि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे वाई वन एंड वाई टू, तो इसलिए हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब हमने मल्टीप्लाई थ्री बाई वाई वन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वाई वन एक्स से एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल ए बी, यानी वाई वन सॉरी इसको वाई टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वाई टू एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया ए टू बी। तो ये हो गया लैम्डा वन तो कॉन्स्टेंट रहेगा ए टू बी वाई टू एक्स, और ये हमारे पास ए टू बी के एक्स जाई वाई जाई डी जाई, ये अंदर है हमारे पास डी एक्स, ये हो गया। अब इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इस ऑर्डर का इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज करने पे लैम्डा वन ये सेम रहेगा इंटीग्रेशन ए टू बी वाई वन जाई और ये डी जाई, बेसिकली अब तक क्या था ये डी जाई डी एक्स था, अब हम कर रहे हैं डी एक्स डी जाई। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। अगर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इस तरह से ग्राफ बना के बेसिकली एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी, तो ये हमारे पास लिमिट इस तरह से है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, और सिंपली ये ए टू बी के एक्स जाई वाई टू एक्स डी एक्स डी जाई। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जाई की जगह एक्स आ जाएगा जब हम इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास वाई वन ए टू बी वाई वन जाई ए टू बी के जाई एक्स क्यों लिख सकते हैं इसको हम के जाई एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी के एक्स जाई बराबर के जाई एक्स जो कि ये गिवन है हमारे पास, तो ये है हमारे पास। अब ये के एक्स जाई वाई टू एक्स डी एक्स,
अगर इसको देखें तो ये क्या है हमारे पास, के एक्स आई बाई टू जाई डी जाई बराबर बेसिकली बाई टू एक्स है, तो ये हमारे पास आ गया, और साथ में ही यहाँ से लेमडा टू का डिवाइड होगा क्योंकि लेमडा टू इक्वल टू ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास वाई वन जाई वाई टू जाई डी जाई अपॉन लेमडा टू डी जाई, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये टर्म तो बाहर आ जाएगी, तो ए टू बी वाई वन एक्स बाई टू एक्स डी एक्स, या यहाँ से हमारे पास हो गया। अब चूंकि इस साइड में क्या था, इस साइड में भी क्या था, ए टू बी वाई वन एक्स बाई वाई टू एक्स, यानी कि ये सॉरी ये टर्म जो है ये भी हमारे पास सेम थी, तो ये इसी के इक्विवेलेंट चल रही थी हमारे पास, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, यहाँ से लिख सकते थे हम इंटीग्रेशन ए टू बी वाई वन एक्स वाई टू एक्स इक्वल टू ये हो गया हमारे पास लेमडा वन अपॉन लेमडा टू ए टू बी, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास ये कॉमन ले लिया, तो वन माइनस लेमडा वन अपॉन लेमडा टू, और ये हो गया ये इंटीग्रेशन ए टू बी वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स। अब चूंकि लेमडा वन नॉट इक्वल टू लेमडा टू, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आइगन वैल्यू को डिफरेंस लिया था, तो ये टर्म जीरो होगी, तो ये टर्म जीरो होगी, इसका मतलब वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। अब फिर से हम शो करते हैं कि जो लैम आइगन वैल्यूज हैं ये रियल हैं, तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये रियल नहीं हो के अब ये हमारे पास इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा जीरो बी जीरो आर रियल, तो लेट बाई जीरो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बी द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, देन बाई जीरो एक्स बराबर लेमडा जीरो ए टू बी के एक्स जाई बाई जीरो जाई डी जाई, वी क्लेम दैट द आइगन वैल्यू बाई जीरो एक्स करस्पॉन्डिंग टू आर नॉन रियल आइगन वैल्यू, लेमडा जीरो इज नॉट रियल वैल्यू, ये हमारे पास रियल वैल्यू नहीं है, वाई जीरो एक्स इज रियल वैल्यूड, देन सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी, यानी इन सिक्स में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि लैम्डा जीरो के अलग अलग पार्ट, यानी ये जीरो अल्फा जीरो प्लस आयोटा बीटा जीरो को सेपरेट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास वाई जीरो एक्स बराबर अल्फा जीरो ए टू बी के एक्स जाई वाई जीरो जाई प्लस, और ये हो गया जीरो इक्वल टू बीटा जीरो ए टू बी के एक्स जाई वाई जीरो जाई डी जाई, ये फ्रेंड्स जीरो हुआ है क्योंकि इसका वाई जीरो एक्स जो है वो रियल नंबर है, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा, इम्प्लाई यहाँ से इम्प्लाई होगा ए टू बी के एक्स जाई वाई जीरो जाई डी जाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी जो है हमने नॉन जीरो लिया, अगर बीटा जो है अगर जीरो ले लेते तो ये रियल रियल पार्ट ही बन जाता, हेंस फ्रॉम सेवन इस सेवन इक्वेशन से बी के वी गेट वाई जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम वाई जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि ये कब जीरो होगा, यहाँ से फिर सेवन से नहीं एट से, एट से वाई जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, दस वाई जीरो एक्स कैन नॉट बी रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब लेट अस कंसीडर कि वाई जीरो एक्स जो है वो रियल ना हो के वो भी इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट है, यानी अल्फा एक्स प्लस आयोटा बीटा जीरो एक्स, यहाँ पे बीटा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है, तो इक्वेशन सिक्स में इक्वेशन सिक्स जो है वो सिंपली यहाँ पे चेंज हो जाएगा आयो टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई जीरो एक्स इक्वल टू लैम्डा जीरो ए टू बी के एक्स जीरो वाई बार जीरो डी जाई, तो इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे दिस सो दैट वाई जीरो बार इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन वाई जीरो एक्स बार, सिंस वाई जीरो सर लैम्डा जीरो इज नॉन रियल बाय एज्यूम्पशन, सो लैम्डा जीरो एंड लैम्डा जीरो बार इन टू डिफरेंस आइगन वैल्यू, दस बाय पार्ट फर्स्ट वी हैव फर्स्ट पार्ट से हम यहाँ पे ए टू बी वाई जीरो एक्स वाई जीरो बार डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया मोड ऑफ वाई जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, ये कब जीरो होगा हमारे पास, बेसिकली वाई जीरो एक्स क्या है, ए अल्फा जीरो प्लस आयोटा बीटा एक्स का मोड, तो ये हमारे पास ये रियल नंबर्स होगा, ये कब जीरो होगा जब अल्फा एक्स जीरो होगा एंड बीटा एक्स जीरो होगा तभी ये जीरो होगा, तो बट ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमारे पास वाई एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बिकॉज आइगन फंक्शन आर नॉन जीरो दिस कॉन्ट्राडिक्शन सो दैट अवर एज्यूम्पशन दैट लैम्डा जीरो इज नॉट रियल, जो हमने एज्यूम किया था कि लैम्डा जीरो जो है नॉट रियल है वो रॉन्ग है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा जीरो जो है वो मस्ट बी रियल नंबर होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।